20वीं शताब्दी पृथ्वी पर ऊर्जा का एक नया प्रवाह लेकर आई। एक समय था जब जीवन का उत्तरार्ध साधना को समर्पित किया जाता था, परंतु उसी समय में कई अपवाद भी हुए। बालक ध्रुव, भक्त प्रहलाद, अष्टावक्र जी, नचिकेता ऐसे व्यक्तित्व थे जो जीवन के प्रारंभिक काल में ही अपने अपने कारणों से परम सत्ता को पूर्णतया समर्पित हो गए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्यास हमेशा से लोगों में रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों का कुनबा हमेशा रहा है जो अपनी वर्तमान अवस्था और जीवन के स्वरूप से खिन्न होकर अज्ञात की तड़प और विरह से बेचैन रहा है, और उसकी बेचैनी ने उसे रास्ता दिखाया अपने भीतर की ओर झांकने का। वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इस दुनिया में बहुत कुछ बदला है। जहां एक ओर भौतिकता की दौड़ ने सहजता पसंद करने वाले लोगों को परेशान किया है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का आध्यात्म के प्रति नजरिया भी बदला है। नतीजतन दुनिया की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खुद की ओर मुड़ा है, युवा हो या वृद्ध, सभी जीवन के खालीपन से, खोखलेपन से मायूस हुए हैं और प्रयासरत हैं कुछ ऐसा जानने और पाने के लिए जो आंतरिक तल पर सुखद अनुभूति में ले जाए। आज की पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं ध्रुव, प्रहलाद और नचिकेता द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का स्वयं में समावेश कर रहा है। दोस्तों, मेरा मकसद है कि आपकी आध्यात्मिक प्यास को और जीवंत बनाया जाए, ताकि आपकी प्यास आपको ऊर्जा के उस झरने तक ले जाए जहां से निर्मल जल की ही भांति सुखद ऊर्जा निरंतर बहती रहती है, जो आखिरकार आपको मलंगों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे 24 वर्ष की कम उम्र में करवीर पीठम के शंकराचार्य रहे स्वामी राम की। उच्च शिक्षा के लिए वे बेंगलोर, प्रयाग, बनारस एवं ऑक्सफर्ड गए। स्वामी राम ने अपना जीवन वृत्तांत लिखते हुए कई बातें बताई हैं। उनके अनुसार उनके पिता एक जाने माने संस्कृत विद्वान थे। उनके पिता के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे 6 महीने के लिए घर छोड़कर साधना के लिए मनसा देवी के पास जंगल में चले गए, जो कि हरिद्वार के करीब है। वहीं पर उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई। उनके गुरु उनके साथ 1 सप्ताह तक रहे और उन्हें घर वापस जाने का आदेश देकर चले गए। 60 वर्ष की उम्र में भी गुरु के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम आगे चलकर स्वामी राम पड़ा। स्वामी राम कहते हैं कि बाल्यावस्था में भी मुझे अपने पूर्व जन्म की स्पष्ट स्मृति थी और मुझे शुरू से ही यह पता था कि पिछले जीवन में अधूरा छोड़ा गया मिशन मुझे पूरा करना है। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात स्वामी राम अपने गुरु के पास चले गए। उनके गुरु ज़्यादातर समय ध्यान में लीन रहते थे। कुछ लोग उन्हें बंगाली बाबा के नाम से संबोधित करते, कुछ लोग बाबा जी कहते। अपने जीवन में घटी कुछ अद्भुत घटनाओं के विषय में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार वे गुरु के आदेशानुसार एक स्वामी जी के साथ रहने गए। एक दिन गंगा स्नान के पश्चात स्वामी जी दातून तोड़ने के लिए स्वयं ही पेड़ पर चढ़ गए और वे मधुमक्खियों के छत्ते के एकदम करीब जाकर मधुमक्खियों से बात करने लगे, और आश्चर्य की बात यह थी कि किसी मधुमक्खी ने उन्हें डंक नहीं मारा। स्वामी राम ने स्वामी जी से वो प्रक्रिया सीखी जिसके द्वारा वह स्वयं भी ऐसा कर सकें। स्वामी जी ने उनसे कहा कि यह विधि सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगी। समय के साथ स्वामी राम
यह बात भूल गए कि उन्हें यह विधि किसी और को नहीं बतानी है, और दिखावे के चक्कर में आकर उन्होंने यह विधि एक व्यक्ति को बता दी, जिसके बाद उस व्यक्ति की ऐसी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वामी राम एक घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनके गुरु के पास कुछ ऐसी किताबें थीं जिनमें गोपनीय विद्याएं लिखी हुई थीं। स्वामी राम कहते हैं कि उन दिनों मैं मंत्रों के प्रति बहुत आकर्षित हुआ करता था और मैं अलग अलग मंत्र इकट्ठा करता रहता था। एक दिन गुरुजी की एक किताब मेरे हाथ लग गई। मेरे गुरुजी का स्पष्ट निर्देश था कि मुझे यह किताब खोलकर नहीं देखनी है, परंतु कौतूहलवश मैंने किताब खोली और पढ़ने लगा। उसमें एक प्रयोग दिया था जिसमें एक मंत्र 1001 बार जप करना था। हालांकि इसमें यह भी उल्लेखित था कि यह विधि उच्च साधक के द्वारा की जानी चाहिए, वरना यह खतरनाक भी हो सकता है। चूंकि मैं अपने आप को उच्च कोटि का साधक समझता था, मैंने मंत्र 900 बार पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं 940 की गिनती पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक विशालकाय औरत ने लकड़ियां एकत्रित की और एक बड़े बर्तन में पानी डालकर आग जलाकर उबालने के लिए रख दी। जब मैं 970 तक जप करते हुए पहुंचा, मैंने देखा कि एक अति विशालकाय आदमी मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी इतना विशालकाय आदमी नहीं देखा था। उस आदमी ने औरत से कहा कि तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। औरत बोली कि तुम मुझे कुछ लाकर दो। उस विशाल आदमी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके टुकड़े करके पका दो। इतना सुनते ही मेरे दांत बंद गए और माला हाथ से गिर गई। इसके बाद मुझे जब होश आया, तब गुरु मेरे सामने थे और उन्होंने मुझे अच्छी झाड़ लगाई। लेकिन इस अनुभव से मंत्र शक्ति का महत्व मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, और मैंने अपने गुरुजी द्वारा दिया गया मंत्र निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दिया और छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी मंत्र पर निर्भर रहने लगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की, परंतु मेरे गुरु मंत्र के प्रभाव से उन सभी चीज़ों से मैं बच सका, उनसे उबर सका। स्वामी राम कहते हैं कि एक साधक को साधना के प्रति उत्साहित एवं समर्पित रहना चाहिए। वर्तमान समय में साधक ध्यान मार्ग में तुरंत चमत्कार देखना चाहते हैं, और इसी कारण वे बहुत सी अनर्गल कल्पनाएं करने लगते हैं जो कि सिर्फ निरर्थक है। स्वामी राम आगे बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक ऐसे स्वामी से भी हुई जो कि मुंह से अग्नि पैदा करते थे, और यह अग्नि कई फीट दूर जाकर गिरती थी। वे कहते हैं कि मैंने हर पैमाने पर उन स्वामी को जांच कर देखा, मगर वे वाकई में मुंह से अग्नि पैदा करते थे। मैंने एक दिन अपने गुरुजी से कहा कि मुझे ऐसा साधु मिल गया है जो आपसे भी उच्च कोटि का है। मेरे गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है, तो मुझे उसके पास ले चलो। दो दिन की यात्रा कर जब हम उस साधु के पास पहुंचे, तो उसने मेरे गुरुजी को प्रणाम किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे गुरुजी ने कहा कि एक माचिस की तीली से भी आग लगाई जा सकती है, और इसने अपने 20 वर्ष इस विद्या को सीखने में खराब कर दिए। स्वामी राम कहते हैं कि इस घटना के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सिद्धियां सिर्फ इस बात की ओर इंगित करती हैं कि आप साधना मार्ग पर ठीक चल रहे हैं, मगर शक्तियों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धियां साधना मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन सकती हैं, और आप बिना वजह अपनी शक्ति और सामर्थ्य बर्बाद कर देते हैं। सिद्धों की परंपरा में आज इतना ही। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ये जानते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्तियों पर वीडियो बनाने के साथ ही हम अजपजप साधना को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साधना के और विस्तार के लिए हम मुंबई में 2 दिसंबर को एक सेमिनार कर रहे हैं। जो लोग मुंबई में हमसे मिलकर अजपजप साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं, वो हमसे आकर दिए गए पते पर मिल सकते हैं। हमारा पता वीडियो के आखिरी में दिया हुआ है, और साथ ही आपको वो समय भी दिया होगा जिस पर आप हमसे मिल सकते हैं।
महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।